Assalamu alaikum students, I'm your teacher Mahvish. I'm your Urdu and Islamic art teacher. How are you students? Hope you are all doing good. Students, I am apne lesson ki taraf chalte hain. Aaj hum dekhte hain humne kya padhna hai. स्टूडेंट्स, हम लोग शहद की मक्खी जो है वो चैप्टर पढ़ रहे थे. आप लोगों ने यहाँ से यहाँ तक पेज जो है वो कंप्लीट कर लिया था. अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं. आप लोगों ने इसकी बुक रीडिंग अच्छी तरह से याद करनी है और उसकी वीडियो बना के मुझे सेंड करनी है. कोई सा एक पैराग्राफ बेशक आप लोग सेंड कर लें. देखिए जी, आज हमारा लेसन है ज़माने कदीम से पाए जाने वाले शहद की मक्खियों के छतों के निशानात से. ये बात वाजिया हो चुकी है कि शहद की मक्खियाँ हमेशा से छत्ता बनाते वक्त छः कोनों वाला खाना ही बनाती हैं. ठीक है, जब वो छत्ता बनाती हैं वो छः कोनों वाला बनाती हैं. हिसाबदान ये बात साबित कर चुके हैं कि छः कोनों वाले खाने साथ साथ जोड़ने के लिए मौजूद तरीन शक्ल है. इससे जगह ज़ाया नहीं होती, लिहाजा मक्खियाँ ऐसा ही करती हैं. इस तरह कम जगह में ज़्यादा मकदार में मक्खियाँ वहाँ रह सकती हैं और शहद बनाकर जखीरा कर सकती हैं. यानी कि जो शहद बनाती हैं वहाँ पर वो जमा कर सकती हैं. ठीक है, इसी वजह से शहद की मक्खी को बेहतरीन हिसाबदान भी कहा जाता है. सुबह की रोशनी फूटने से रात का अंधेरा फैलने तक शहद की मक्खियाँ शहद बनाने के अमल में मसलसल मसरूफ़ रहती हैं. इनके लगातार मसरूफ़ रहती हैं. गिज़ा की तलाश करने वाली मक्खियाँ सुबह सवेरे रिस्क की तलाश में निकल खड़ी होती हैं. यानी कि जो गिज़ा तलाश करने में, यानी कि जो इतना शहद ढूंढने में, वो सुबह सवेरे जो है वो निकल जाती हैं, उड़ जाती हैं, यानी कि गिज़ा की तलाश में. जैसे ही किसी मक्खी का खुराक का जहीरा नज़र आता है वो तेज़ी से वापस अपने छत्ते के करीब आती है और एक ख़ास किस्म का रक्स शुरू कर देती है. ठीक है, बी डांस, यानी कि उनका रक्स होता है वो शुरू कर देती है जहाँ पर उसको खुराक नज़र आए. तो इस रक्स की कई किस्में होती हैं. हर रक्स एक किस्म का इशारा होती है जिससे बाकी मक्खियाँ समझ जाती हैं कि गिज़ा का जखीरा किस सिंत में और कितने फासले पर मौजूद है. वहाँ पर मौजूद फूल सुबह के वक्त ज़्यादा रस दे सकते हैं या शाम को. तब ये मक्खियाँ अपने छत्ते से फूलों और फलों तक हज़ारों चक्कर लगाती हैं. ठीक है, अच्छा, एक चक्कर में एक शहद की मक्खी 1 से 5 किलोमीटर का सफ़र कर लेती है. उसकी रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर फी घंटा होती है. दिन भर में वो 10 से 15 चक्कर लगा लेती है. दिलचस्प बात यह है कि शहद की मक्खी बड़की देर रंग के फूलों की तरह ज़्यादा मतवजा होती है, लेकिन उसे सुर्ख रंग नज़र नहीं आता. और ताजुब की बात यह कि मक्खियाँ जंगल के पचीदा रास्तों में गुम नहीं होती. असल में होता है कि ये मक्खियाँ जहाँ जाती हैं रास्ते में एक खुशबू छोड़ती जाती हैं जिसका असर 24 घंटे तक रहता है. मक्खी इसी खुशबू के सारे वापस अपने छत्ते तक पहुँचती है. देखें, जब ये मक्खियाँ जहाँ पर भी जाएंगी किसी भी जंगल में तो ये रास्ता भूलती नहीं है. यहाँ वहाँ पर कुदरती अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा होता है कि ये अपनी खुशबू छोड़ जाती हैं जिससे उसी रास्ते से वो वापस आ जाती हैं. स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी है, इस वजह से मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए यहाँ से यहाँ तक जो है ये काफ़ी है इतनी रीडिंग. आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से याद करना है और इसे पैराग्राफ जो है वो मुझे आप लोगों ने सेंड भी करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी. आज का मेरा लेक्चर इतना ही था. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज़.